अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 5 के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में, जो आपके कोर्स एग्जामिनेशन और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। TPN स्टैंड्स फॉर, जो TPN होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। दूसरा क्वेश्चन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इंट्रावेनस और IV न्यूट्रिशन फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंट्रावेनस एडमिक्सचर इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल मिक्सचर ऑफ 2 or more ड्रग एडेड इंटू IV फ्लूड्स एलोन आर इन कम्बिनेशन फॉर मेडिकेशन पर्पज। मतलब जो इंट्रावेनस एडमिक्सचर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक IV फ्लूड्स के मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर IV एडमिक्सचर, हार्ट में रिंगर्स इज यूज फॉर IV मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FFDCA स्टैंड फॉर, FFDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? FFDCA का फुल फॉर्म होता है फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 रेडियो फार्मास्यूटिकल से आपका क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा GM काउंटर मेथड। रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए GM काउंटर मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड हैव डैश, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, GRP स्टैंड्स फॉर, GRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GRP का फुल फॉर्म होता है गुड रेडिएशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम रोज बंगाल I-131 इज यूज्ड इन लीवर स्कैनिंग, लीवर को स्कैन करने के लिए I-131 को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड इमिट गामा पार्टिकल रेज, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो गामा पार्टिकल रेज को इमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, Xenon-133 गैस इज यूज फॉर, जो Xenon-133 गैस होता है उसको पल्मोनरी स्कैनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द कंपाउंड्स आर सबस्टेंस व्हिच एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी एंड व्हिच आर यूज्ड इन मेडिसिंस फॉर वेरियस पर्पस आर कॉल्ड एज। मतलब ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं और वो मेडिसिंस की तरीके से भी यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उस ड्रग को रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द हॉस्पिटल रेडियो एक्टिव वेस्ट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, जो हॉस्पिटल का रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो जनरली किससे कंपोज होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा लो लेवल वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंसिनरेशन रिड्यूसेस द बल्क ऑफ वेस्ट, जो इंसिनरेशन होता है वो बल्क के वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी स्टोर्ड एट अबाउट 2 to 5 degrees Celsius, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको 2 to 5 degrees Celsius पे के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग को आज पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, EHR स्टैंड्स फॉर, EHR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है। सेकंड है, DAWN स्टैंड्स फॉर, ड्रग एब्यूज वार्निंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDM स्टैंड फॉर, TDM का फुल फॉर्म क्या होता है? थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। MEAR स्टैंड्स फॉर,
medication administration record. Micromedex provides information on drug and their identification. मतलब ड्रग और उसके आइडेंटिफिकेशन का पता लगाने के लिए माइक्रोमेड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 8, पॉइजन एमरजेंसी ड्रग, ADRS. ADRS का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन. दूसरा TDM स्टैंड फॉर, TDM का फुल फॉर्म क्या होता है? थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. MTM का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकेशन थेरेपी मॉनिटरिंग. HMR का फुल फॉर्म क्या होता है? होम मेडिकेशन रिव्यू. DIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस. DIB का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन. द काउंसलिंग कंटेंट इज द हार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन. जो काउंसलिंग कंटेंट होता है और काउंसलिंग सेशन का हर्ट होता है. नेक्स्ट है PTC स्टैंड्स फॉर. PTC का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा DRPS स्टैंड फॉर. DRPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनाइटल मींस एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ. नेक्स्ट है गट्टा मींस ड्रॉप्स. नेक्स्ट है एलोपेशिया मींस लॉस ऑफ हेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा SOS मींस व्हेन रिक्वायर्ड या व्हेन नेसेसरी. मतलब जब कोई ड्रग ज़रूरत पड़ने पे यूज़ किया जाता है तो उस ड्रग को हम SOS ड्रग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोगोज मींस इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ मिल्क. अगर किसी पर्सन के किसी वोमेंस के अंदर मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे गैलेक्टोगोज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हारा सोमनी मींस होता है बेड टाइम. कोई भी ड्रग जब बेड टाइम पे लेते हैं तो उसको हारा सोमनी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसफेजिया मींस डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग. अगर किसी चीज़ को निगलने में मतलब एक बाइट खाने में अंदर लेने में माउथ से एसोफेगस से स्टमक में लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डिसफेजिया बोलते हैं. लॉन्ग फॉर्म ऑफ बाल. बाल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एंटी लेविसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा टेकीकार्डिया मींस. टेकीकार्डिया मींस होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट. अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं. सेमेल इंडाई मींस वंस अ डे. अगर कोई ड्रग दिन में एक बार लेते हैं तो उसे सेमेल इन द डाइन बोलते हैं, मतलब वंस अ डे. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हॉस्टस मींस मतलब ड्रॉफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर इसमें आपका हो जाएगा क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB स्टैंड फॉर मीन कार्पस्कुलर वैल्यूम. मीन कार्पस्कुलर वैल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है ESR स्टैंड फॉर. ESR का फुल फॉर्म क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. ये एस टी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरम एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज. ALT का फुल फॉर्म क्या होता है? एलानिन ट्रांस एमिनेज. ALP का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्कालिन फास्फेट. GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल. LDL का फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल. VLDL का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल. SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज. PFTS का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. नेक्स्ट है आपका कंजुगेटेड हाइपरबाइलिरुबिनेमिया विथ राइज्ड फॉस्फेट लेवल आर फाउंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. किसी को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया तो उसका बाइलिरुबिन बढ़ने के साथ में फॉस्फेट लेवल भी बढ़ जाता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं. HDL हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. जो हाई डेंसिटी लिपिड होता है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करता है. एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इम्पॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस.
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को डायग्नोज करने के लिए एल्कलाइन फास्फेट रिक्वायर्ड होता है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एक कार्डियक मार्कर है। नेक्स्ट है द वैल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन पर मिनट इज नोन एज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। एक मिनट में जो वैल्यूम क्लियर होता है क्रिएटिनिन का उसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस बोलते हैं। इंसुलिन क्लियरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो इंसुलिन क्लियरेंस होता है उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पता करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज मिलीमोल्स पर लीटर इज नोन एज, मतलब टोटल जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है जिसे मिलीमोल प्रति लीटर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स काउंट, ल्यूकोसाइट्स का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4000 से 11000 पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट है इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस यूरिनरी यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीशन इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्ट वैंडरबर्ग रिएक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड बाइलरुबिन। नेक्स्ट है इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ CHD कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। अगर आपके बॉडी में HDL का लेवल बढ़ रहा है तो आपको CHD का रिस्क फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कंप्लीट ब्लड काउंट मीजर्स द साइज नंबर्स एंड मेच्योरिटी ऑफ द डिफरेंट ब्लड सेल, जो CBC होता है, CBC टेस्ट करवाते हो उसमें क्या साइज नंबर और मेच्योरिटी ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल के, सारे ब्लड सेल के साइज नंबर और मेच्योरिटी पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 150 से 240 mg/% इन यंग एडल्ट होता है। नेक्स्ट है फेल्योर ऑफ कंसनट्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ यूरिन इज एक्सेस्ड बाई मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट, फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट के द्वारा फेलियर ऑफ कंसनट्रेशन कैपेसिटी ऑफ यूरिन एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉचेट टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है फ्रॉचेट टेस्ट। नेक्स्ट है प्रोथ्रॉम्बिन टाइम इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नॉर्मलाइज आफ्टर पर इंटरनल इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट है GGT का फुल फॉर्म क्या होता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज अ RFT रीनल फंक्शनिंग टेस्ट होता है। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ यूरो बिलिनोजेन इन यूरिन इट अकर्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजेन की अब्सेंस होता है यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड चिमेलिन टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए मॉडिफाइड चिमेलिन टेस्ट को यूज किया जाता है। व्हेन ब्लड अपियर्स इन द यूरिन इट इज कॉल्ड एज हीमेटूरिया, अगर आपके यूरिन में ब्लड अपियर होता है तो उसे हीमेटूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड, अगर थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आर ऑल्सो नोन एज लिपिड पैनल, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसे लिपिड पैनल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्डियक मार्कर्स आर यूज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए कार्डियक मार्कर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इफ पस सेल्स अपियर्स इन द यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड पायूरिया, अगर आपके बॉडी यूरिन में पस सेल दिखते हैं तो इसका मतलब आपको पायूरिया हो गया है। नेक्स्ट है द टोटल बॉडी वाटर इन मेन इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट, मेल्स में बॉडी वेट का 60% आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो पानी होता है बॉडी में। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम थायरॉक्सिन इज 5.5 टू 12.5 mg/dL,
मतलब 5.5 से 12 एम जी पर डेसीलीटर सीरम थायरॉक्सिन का नॉर्मल रेंज होता है बॉडी में। नेक्स्ट है, व्हेन बाइल अपीयर्स इन द यूरिन द कंडीशन इज नोन एज जॉन्डिस। अगर आपके यूरिन में बाइल दिखता है तो उसे जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एक्सप्रेस्ड एज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन होता है उसे एम ई क्यू पर लीटर में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, स्पायरोमेट्री इज अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो स्पायरोमेट्री होता है वो पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी इज, तो आपके लंग की जो नॉर्मल वैल्यू होती है कैपेसिटी की 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी इज अ पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट। जो बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट होता है वो पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल इज, आपके बॉडी में जो ब्लड कैल्शियम का लेवल होता है 9 से 11 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट इज अ पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट। जो 6 MWT होता है वो पल्मोनरी के फंक्शन मतलब लंग्स के फंक्शन को पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें FEV मींस, FEV का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लेथिस्मोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग चेंजेस इन वॉल्यूम विद एन होल बॉडी विद एन ऑर्गन और होल बॉडी। पूरे बॉडी में जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए प्लेथिस्मोग्राफी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इन पॉली यूरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे इज मोर देन 2500 ml। चैप्टर आपका है पॉइजनिंग, DIB स्टैंड फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, PIC स्टैंड फॉर पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, एंटीडोट इन मॉर्फिन पॉइजनिंग इज नाइलॉर्फिन। नेक्स्ट, EDTA स्टैंड फॉर, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलीन डायमिन टेट्राएस्टिक एसिड, BAL स्टैंड फॉर ब्रिटिश एंटी लेविसाइट्स। नेक्स्ट, DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है, पेनिसिलामाइन इज एन एंटीडोट यूज्ड इन मर्करी पॉइजनिंग। जो पेनिसिलामाइन है वो मर्करी पॉइजनिंग में एज एंटीडोट यूज़ किया जाता है। एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज डिसफेरोक्सामाइन। नेक्स्ट है, व्हेन द टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन द यूनिवर्सल एंटीडोट इज यूज्ड। जब आपको पॉइजन का पता ना हो कि कौन सा पॉइजन है तो आपको यूनिवर्सल एंटीडोट यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, बाल इज आल्सो नोन एज, जो बाल है उसको डाइमर कैप्राल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चैप्टर 11 फार्माकोविजिलेंस, NPP स्टैंड फॉर नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम NPP वाज इनिशिएटेड इन 2004 अंडर द गाइडेंस ऑफ CDSCO। CDSCO के गाइडलाइन के अंतर्गत 2004 में NPP को इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट है, फार्माकोविजिलेंस कंटिन्यूज थ्रू आउट प्री एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलाइंस। फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत ही प्री और पोस्ट मेडिकल सर्वेलाइंस आता है। नेक्स्ट है, फार्माकोविजिलेंस इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, फार्माकोविजिलेंस से पब्लिक का हेल्थ इम्प्रूव होता है। द WHO फॉर फार्माकोविजिलेंस इज विजीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन स्वीडन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड इन गाज़ियाबाद। जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया का फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है जो IPC इंडियन फार्माकोपियल कमीशन कोऑर्डिनेट करता है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गाज़ियाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, ड्रग माइनिंग इज विगोरस सर्च ऑफ डाटा विथ स्पेसिफिक इनपुट ऑफ पैरामीटर टू आइडेंटिफाई एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विथ प्रोबेबल रिलेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग। नेक्स्ट है, UMC स्टैंड फॉर, UMC का फुल फॉर्म क्या होता है, अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग
ऑफ एडवर्स डायरेक्शन बाय WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन जिनेवा, मतलब WHO द्वारा जो एडवर्स डायरेक्शन का इंटरनेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफसाला मॉनिटरिंग सेंटर मैनेजेस द इंटरनेशनल डाटाबेस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट्स रिसीव फ्रॉम नेशनल सेंटर। नेशनल सेंटर से जो रिपोर्ट रिसीव होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, उसको अफसाला मॉनिटरिंग सेंटर मैनेज करता है। नेक्स्ट है, फार्माकोविजिलेंस इज अ ब्रांच ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी। जो फार्माकोविजिलेंस है वो फार्माको एपिडेमियोलॉजी का एक ब्रांच है। नेक्स्ट है, फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटीज कंसर्न विद द डिटेक्शन असिसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग मेडिसिन। मतलब किसी भी मेडिसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट करना, अंडरस्टैंड करना, असिसमेंट करना, डिटेक्शन करना, ये सारी चीज़ें आप फार्माकोविजिलेंस में स्टडी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, MedDRA स्टैंड फॉर मेडिकल डिक्शनरी फॉर ड्रग रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम NPP वाज इनिशिएटेड इन। NPP कब इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ 2004 में। नेक्स्ट है चैप्टर 12, इंट्रेक्शन एट रिसेप्टर साइट्स कॉज फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग इंट्रेक्शन। नेक्स्ट है, MEO इनहिबिटर शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद चीज चॉकलेट बनाना। जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं उनको चॉकलेट पनीर और बनाना के साथ में एडमिशन नहीं करना चाहिए। अल्ट्रेशन इन ADME ऑफ ड्रग प्रोड्यूसर्स फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रेक्शन। नेक्स्ट है, द कंपेरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन टू डोजेस फॉर्म इज रिफर्ड एज बायो इक्विवेलेंस। मतलब किसी भी दो डोजेस फॉर्म के बीच का जो कंपेरिजन स्टडी किया जाता है उसे बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, एन अल्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय पीरियड टू कंट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड ड्रग इंट्रेक्शन। मतलब अल्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय पीरियड टू अनदर ड्रग, एक ड्रग के इफेक्ट को दूसरे ड्रग के द्वारा इफेक्ट कर देना ड्रग इंट्रेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क और एंटासिड के साथ में नहीं दिया जाना चाहिए। डिजिटेलिस एंड थायाजाइड ड्रग इंट्रेक्शन में काज हाइपोकैल्मिया। डिजिटेलिस और थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको हाइपोकैल्मिया हो सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।